दोस्तों दोस्तियों सहेलों सहेलियों मसातो मारोटो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर के नियत से होंगे और तो यार जहाँ भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई फास्ट फूड तो खाते ही हैं और उसी फास्ट फूड को निकलने के लिए कुछ बेवरेजेस भी घटक जाते हैं जो के होती तो लाजवाब है पर हमारी सेहत के लिए तो खतरनाक होती है ना। वैसे खतरनाक होती है या नहीं उसको मारो गोली, क्योंकि वो मेरा आज का मौजू नहीं है, बल्कि आज मैं आपको बेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर वन पे आती है पेप्सी। वैसे अगर देखा जाए तो पेप्सी दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। पेप्सी की शुरुआत हुई थी तकरीबन 1898 में, जो के कैलेब बेड्रम ने की थी और उस टाइम पे पेप्सी का नाम ब्रेड्स ड्रिंक था और फिर तकरीबन ये नाम पेप्सी का 4 साल रहा, जिसके बाद 1902 में पेप्सी का नाम बदल के पेप्सी कोला हो गया। पेप्सी की दुनिया में सबसे बड़ी दुकान / हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं और इसकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू 79 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है। नंबर टू यूनिलीवर। जी हाँ, वैसे ये बात जान के आपको हैरत होगी कि यूनिलीवर कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड है। जी हाँ, मुझे भी हैरानी हुई और आज ही पता लगा कि यूनिलीवर एक बेवरेज कंपनी है। यूनिलीवर दुनिया के 190 मुल्कों में सर्व करती है। वैसे तो ये एक बेवरेज कंपनी है पर ज्यादातर इसके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और क्लीनिंग एजेंट्स मशहूर हैं। वैसे यूनिलीवर एक डच ब्रिटिश कंपनी है और जिसके हेडक्वार्टर्स लंदन में पाए जाते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट और फेमस कोल्ड ड्रिंक इस कंपनी की 7 अप, जो कि मेरी भी फेवरेट है यार। वैसे आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वैसे यार एक आखिरी बात, नेक्स्ट नंबर पे जाने से पहले कि यूनिलीवर की रेवेन्यू बताता चलूं कि 53 बिलियन। नंबर 3 पे आती है कोका कोला। वैसे यार कोक और पेप्सी की तो जैसे बचपन से नहीं बनती और शायद जस्ट इसी की वजह से दोनों फेमस है। वैसे कोका कोला कंपनी 1892 में ऐसा कैलेंडर ने बनाई थी और ये कंपनी आज हमें 500 से ज्यादा प्रोडक्ट सर्व करता है। एक प्रो टिप दे दूं पैसे देने के बाद, अबे साले, कोका कोला आज दुनिया के आधी से भी ज्यादा आबादी की जुबान पे आती है और इसी वजह से आज ही हमारी काउंटडाउन लिस्ट में भी 3rd नंबर पे आती है। वैसे तीसरे से याद आया कि कोका कोला के हेडक्वार्टर्स यूएसए में ही पाए जाते हैं पर जॉर्जिया में। वैसे इसकी इनकम की बात करूं तो 38 बिलियन डॉलर्स मेंशन की गई है। नंबर 4 पे आती है असाही ग्रुप्स होल्डिंग। दोस्तों ये एक जैपनीज कंपनी है। वैसे एक राज की बात बताऊं, मुझे भी जस्ट अभी आपके साथ ही पता लगा कि ऐसी कोई कंपनी होती है। दोस्तों इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स टोक्यो में पाए जाते हैं। जैसे कि ये एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है तो इसके फेमस प्रोडक्ट्स हैं सुपर ड्राई और जीरो। बाय द वे ये बियर है यानी कि एल्कोहलिक, तो आप इनके फेमस प्रोडक्ट्स को स्किप करके बाकी नॉन एल्कोहलिक भी ट्राई कर सकते हो, हाँ अगर अवेलेबल हो तो। वैसे इस कंपनी की रेवेन्यू भी बताता चलू कि 20 बिलियन डॉलर्स। वैसे यार दिल तो मेरा भी था कि 5 पूरे करूं, लेकिन आज के लिए 4 काफी है। 5वें पे हम कभी किसी और दिन तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।